देखो सबसे ज्यादा जो मोमेंट हमने जिया है पिछले 1-2 साल में, वो है स्ट्रेस वाला मोमेंट, तनाव ना, बहुत ज्यादा तनाव। चाहे वो स्टूडेंट्स हो, स्टूडेंट्स के लिए भी कम तनाव नहीं था। 1 साल तक घर में बैठे थे, ना स्कूल खुला, ना कोचिंग ओपन, ना दोस्तों से मिलना है, सिर्फ एक ही दोस्त था, ठीक है। और यही दोस्त आपका सबसे अच्छा साथी रहा है, इसलिए भूलना मत इसको कभी। तो थोड़ा इन बच्चों के लिए बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन समझने की कोशिश करना, अगर हिंदी जानते होगे तो। मुझे, मैं फिजिक्स का टीचर हूँ, सुनोगे हिंदी तो लगेगा कि अजीब सा, हिंदी कहाँ से पहुँच गए, है ना। लेकिन फिर भी कुछ लाइनें हैं सर, आप लोगों का भी परमिशन चाहेंगे। जब इंसान की करवटों का मालिक तनाव बन जाता है, जब आप सोते हैं ना, हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स जानते होंगे कि आप सोने में कितना वक्त लगता है ना, क्योंकि आप दिन भर स्ट्रेस में रहते हैं, आप अपने लाइफ से स्ट्रेस को झेल रहे होते हैं। जब इंसान की करवटों का मालिक तनाव बन जाता है, सीधे कहे शब्दों का भी भाव बन जाता है। आप किसी से कुछ छोटा सा बात सही तरीके का कहेंगे, वो उसको गलत अर्थ में ले लेगा, फिर आपको हेडेक हो जाएगी। जब इंसान की करवटों का मालिक तनाव बन जाता है, सीधे कहे शब्दों का भी भाव बन जाता है, तब भुला कर सब कुछ एक दफा खुद में झांक लेना, तब भुला कर सब कुछ एक दफा खुद में झांक लेना, विश्वास में ना हो कमी बस इतना आंक लेना, वाह क्या विश्वास बात में ना हो कमी। स्वयं की ताकत तुझ में अदम्य साहस भर जाएगी। अदम्य मतलब बहुत ज्यादा, एनॉर्मस, है ना। स्वयं की ताकत तुझ में अदम्य साहस भर जाएगी, लेकिन ये जिंदगी तुम्हें फिर से आजमाएगी। एक दिन एग्जाम खत्म हुआ लाइफ का, अगले दिन फिर से दूसरा, नेक्स्ट एग्जाम, और बड़ा बड़ा एग्जाम, है ना। कभी मान लो, छोटा सा एग्जाम्पल है, आप लोग साइकिल से आते हो, आते आते साइकिल की चेन गिर जाती थी पहले हम लोगों के समय में, आज भी शायद वैसा होता होगा, या फिर पंक्चर हो गया, या फिर जाम लग गया, नहीं पहुंच पाए सिचुएशन पे, बहुत सारा क्रिटिकल सिचुएशन। तो उस समय स्वयं की ताकत तुझ में अदम्य साहस भर जाएगी, लेकिन ये जिंदगी तुम्हें फिर से आजमाएगी। बिखरे टूटे मन को अपने उम्मीदों से टांक लेना, टांकना मतलब होता है सील लेना, ठीक है। बिखरे टूटे मन को अपने उम्मीदों से टांक लेना, विश्वास में ना हो कमी बस इतना आंक लेना। जय हिंद, जय भारत।